आईपीएस बने चाहे आईएएस बने, उससे ज़्यादा मज़ा है नहीं उसमें। पहली बार तो मज़ा आता है कि आप नेहरू विहार से निकले और आपको तो अपने बारे में पता ही है सब कुछ। मसूरी पहुंचे, लोगों ने कहा सर सर आई आई सर सर साइन कर दीजिए सर। आपको लग रहा है कि मुझसे ही कह रहा है, किसी और से तो नहीं कह रहा है। आपको बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। अरे आपको आदत थी लाइन में लग के काम करवाने की, किसी तरह से बीच में घुस गए लाइन में, वो सब करने की आदत थी। अब वहाँ कह रहे सर आइए आप सर आप भारतीय पुलिस सेवा में हैं, सर आइए एक कमरा दिया रहने के लिए। आपको भरोसा नहीं हो रहा कि कमरा मुझे दिया है? आप नेहरू व्यस्त तुलना कर रहे हैं, इसमें तो खिड़की भी है। इसमें तो धूप भी आ रही है, इसमें तो एसी भी है और कंप्यूटर भी साथ में मिल रहा है, वाईफाई भी फ्री में है। फिर आपको कहते हैं कि सर शाम को खाना खाने के लिए आ जाइए। खाना खाने गए तो वैरायटी देख के आप चौंक जाते हैं, 30-35 डिशेस बनी हुई हैं। और फिर आपने पूछा कितना ले सकते हैं, बोले कोई लिमिट नहीं है सर आप। और ये मतलब कॉमन में से आपके सैलरी में से कटना है, सबका बराबर कटता है, तो आप आराम से निश्चिंत होकर खाइए। नाश्ते में 10 वैरायटी हैं। पहली बार देखा कॉर्नफ्लेक्स नाम की चीज़ भी कुछ लोग खाते हैं वहाँ पर, हर चीज़ उपलब्ध है। तो वहाँ जाके नेहरू विहार वाले बच्चों का पेट खराब होता है ज़रूर 5-6 दिन में, क्यों 3-4 दिन में वो घीसू माधव की तरह खाते हैं। उनको लगता है कि ये सुख पता नहीं कब नसीब हो उसके बाद। फिर धीरे धीरे 3-4 महीने में है। अच्छा, आदमी कितना ही बड़ा हो जाए ना उसको मज़ा नहीं आता है। जैसे आप आईएएस बनेंगे ना, आईएएस बने कलेक्टर फलेक्टर लोग ठाई ठाई करेंगे आपके आसपास, सिर के ऊपर लाल बत्ती टाई टाई करते, अब तो वो भी नहीं करते शायद। हाँ, और दुख होता हुआ आप लोगों को ना कि नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया, एक ही चार्म था वो भी ख़त्म कर दिया। तो मतलब आप लाव लश्कर रहता ना, आप उतरे आगे पीछे 3-4 गाड़ियां हैं, 15-20 लोग उतरे सर सर सर, तो मैडम मैडम मैडम। शक है कि बुधवार को ही होगी, इसलिए इसका नाम बुधिया पड़ा होगा। मैं एक बार छत्तीसगढ़ के इलाके में, जो उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था, वहाँ भारत सरकार के प्रोजेक्ट पर गया हुआ था। वहाँ ट्राइबल विलेजेस में हमें देखना था कि वहाँ हैंडपम्प की योजना ठीक से काम कर रही है नहीं। ये बहुत पहले की बात है, मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब की बात है। भारत सरकार ने कुछ लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय से भेजा था, तो मैं भी उसमें गया था। तो वहाँ जाके बहुत रोचक अनुभवों में एक अनुभव ये भी था, एक घर में 7 भाई थे और उन 7ों के नाम क्या थे, सोमवार सिंह, मंगलवार सिंह, बुधवार सिंह, गुरुवार सिंह, शुक्रवार सिंह, शनिवार सिंह, रविवार सिंह। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने मान लो 8वां हो जाता तो कैसे मैनेज करते यार, 8वें में कैसे करते? बोले नहीं नहीं हैं कुछ लोगों के हैं, 8-10 भी हैं वहाँ। कैसे? जनवरी सिंह, फरवरी सिंह, मार्च सिंह, अप्रैल सिंह, ऐसे नाम चल रहे हैं। तो अगर 1-2 ही हैं तो उसमें किस महीने में हुआ उसी से रख देते। जैसे कोई मान लीजिए मई में हुआ, मई सिंह,